कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी है। वहीं मास्क नहीं पहनने वाली शिवराज कैबिनेट की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने पाताल पानी में भीड़ जुटाने पर अजीब बयान दिया है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश जारी के कारण शहीद अमर टंटिया मामा की जयंती के आयोजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल 4 दिसंबर को इंदौर के पाताल पानी में भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले हैं। लेकिन बारिश के कारण जहां डैम में पानी भर गया है, वहीं कीचड़ मच गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का आयोजन को लेकर अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आयोजन में प्रकृति सहित कोई दूसरी बाधा नहीं आएगी। उनका मानना है कि टंटिया मामा के ताबीज से लोग स्वस्थ होते हैं। अभी कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं हुआ, सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंटिया मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे, कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। वही मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इसे मानसिक दिवालियापन बताया, साथ ही बताया कि ताबीज से इलाज होता है तो प्रदेश में अस्पताल की क्या आवश्यकता है। प्रदेश की जनता के लिए बहुत दुख और पीड़ा होती है जब जब उषा ठाकुर जैसे मंत्रियों का बयान सुनने में मिलता है। अब एक नया बयान आया है कि ताबीज पहनने से कोरोना नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो उषा ठाकुर जी, अगर ऐसा कोई ताबीज है तो मानसिक दिवालियापन के लिए वो ताबीज आप ग्रहण करें, जिससे आपका मानसिक उपचार हो सके और प्रदेश की जनता को कम से कम शांति की अनुभवी हो सके। दूसरी बात, अगर इसी तरह से उपचार होता है तो फिर प्रदेश में अस्पतालों की क्यों ज़रूरत है? और आप जैसे मंत्री प्रदेश में मंत्री बन के काबिज है, तभी हम समझ सकते हैं कि आज देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में मध्य प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल बताने का कष्ट करें कि अपने सहयोगी मंत्री की इस बात से वो सहमत हैं या नहीं है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर इसके पहले भी कोरोना को लेकर हवन और शंख बजाने जैसे बयान दे चुकी है।